दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको इंडिया में 5G कब देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5G के प्राइस को लेकर। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि जो इनके प्लान्स होने वाले हैं दोस्तों, वो जो हैं वो महंगे होने वाले हैं या क्या वो जो 4G के प्लान्स हैं उन्हीं जैसे होने वाले हैं। और दोस्तों, साथ साथ हम बताने वाले हैं कि जो 5G का स्पेक्ट्रम होने वाला है दोस्तों, उसकी जो लॉन्च डेट है वो कब की निकल कर आ रही है। और दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज होने वाली हैं जो आपको सबसे पहले 5G प्रोवाइड करने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा बोर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जो 5G होने वाला है वो टू टाइप का होने वाला है। पहला होने वाला है मिलीमीटर वेव 5G। इसकी जो बैंडविड्थ रेंज होने वाली है वो होने वाली है 24 GHz से लेके 100 GHz तक। और दोस्तों, ये होने वाला है ट्रू 5G। पर दोस्तों, जो दूसरा 5G होने वाला है वो होने वाला है सब 6 GHz 5G। दोस्तों, इसकी जो बैंडविड्थ रेंज होने वाली है वो अंडर 6 GHz होने वाली है दोस्तों। और ये जो 5G होने वाला है, इसकी जो रेंज होने वाली है वो दोस्तों लॉन्ग होने वाली है जैसे कि 4G की। लेकिन जो हमारा ट्रू 5G होने वाला है, जो मिलीमीटर वेव 5G होने वाला है दोस्तों, उसकी जो रेंज बताई जा रही है दोस्तों, वो शॉर्ट रेंज होने वाली है दोस्तों। ऐसे में जो ट्रू 5G होने वाला है दोस्तों, उसको जो इंडिया में आने में टाइम लग सकता है। लेकिन जो हमारा सब 6 GHz वाला 5G है दोस्तों, वो जो है आपको अप्रैल 2020 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि जो हमारी सरकार है दोस्तों, वो मार्च 2020 में 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन करने की सोच रही है दोस्तों। पर दोस्तों, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया दोस्तों, इन तीनों के पास अभी इतने पैसे नहीं है दोस्तों कि ये 5G स्पेक्ट्रम को खरीदें। और दोस्तों, ऐसे में जो सरकार है वो हर टेलीकॉम कंपनी को एक फ्री ट्रायल पे पर्पस पर दोस्तों 5G स्पेक्ट्रम दे रही है, ताकि अगर उन्हें वो अच्छा लगता है या तो दोस्तों उनको अफोर्डेबल लगता है तो दोस्तों वो उसके लिए जा सकते हैं। पर दोस्तों, एक कंपनी ऐसी भी है जो 5G स्पेक्ट्रम खरीद सकती है, जो कि है दोस्तों हमारी जियो दोस्तों। ऐसे में क्योंकि जो अंबानी है दोस्तों, वो चाहेंगे कि जो 5G है वो जियो सबसे पहले इंडिया में लेके आए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो 4G है वो भी जब जियो लेके आया था दोस्तों, तो एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था हमारे इंडियन टेलीकॉम कम्युनिटी में दोस्तों। तो ऐसे में अगर 5G इंडिया में जियो पहले लाता है तो दोस्तों, आपको जो प्लान देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, वो शायद आपको थोड़े हाई रेंज देखने को मिले, मतलब 800 से लेके 1000 तक उनका प्राइस हो सकता है दोस्तों। और साथ ही साथ जो 5G की स्पीड होने वाली है दोस्तों, वो तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाली है। वो आपको 1 GB/s प्लस होने वाले दोस्तों, जो कि जो हमारा 4G है दोस्तों, उसमें आपको 100 MB के आसपास देखने को मिलती थी दोस्तों। और साथ ही साथ हम बात करें तो जो मिलीमीटर वेव 5G है दोस्तों, उसमें जो खर्चा है दोस्तों, वो ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि उसमें आपको हर मतलब छोटे छोटे डिवाइस लगाना पड़ेगा हर खंबे पर दोस्तों। पर जो हमारा जो सब गीगाहर्ट्ज़ 5G दोस्तों देखने को मिलने वाला है, उसमें आपको जो टावर है दोस्तों, वो नॉर्मल टावर ही होने वाले हैं जैसे हमारे 4G और 3G के टावर हैं। और उनकी जो रेंज होने वाली है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा होने वाली है दोस्तों। ऐसे में अगर सब गीगाहर्ट्ज़ 5G आता है दोस्तों, तो उसकी स्पीड 4G से ज़्यादा होने वाली है, रेंज 4G जितनी ही होने वाली है दोस्तों। पर दोस्तों, जो उसकी स्पीड है वो दोस्तों सेम टू सेम मिलीमीटर वेव 5G की तरह होने वाली है, बस उससे थोड़ी सी कम हो सकती है दोस्तों। जैसे जो मिलीमीटर वेव 5G वो 1 GB के हिसाब से आपको स्पीड देगा, लेकिन जो ये हमारा ये 5G होने वाला है सब गीगाहर्ट्ज़ दोस्तों, ये आपको कुछ 800 MB/s के हिसाब से स्पीड दे सकता है दोस्तों। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में आपको 5G स्टेबल कब तक देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, जो सब गीगाहर्ट्ज़ 6 GHz वाला जो 5G होने वाला है दोस्तों, वो आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा अप्रैल 2020 से पहले पहले। तो दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, मुझे नीचे एक कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं 5G का, या आप 4G ही यूज़ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं
अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।